स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है अस्थिर चित्र। आसान शब्दों में कहूँ तो इस चैनल का हेतु बस इतना है कि भारतीय कथाओं के बारे में जो भी मेरे विचार है उसको इस चैनल पे मैं व्यक्त करूँगा। सर्वप्रथम वो कथाएं जो हम सिनेमा द्वारा देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि मैं एक फिल्म क्रिटिक नहीं हूँ। मैं हर देखी हुई पिक्चर को रिव्यू नहीं करूंगा। मैं अपने आप को एक स्टोरी टेलर समझता हूँ। अगर मैं कोई कथा को देखता हूँ या फिर सुनता हूँ तो वो इस हेतु से कि मैं उससे कुछ सीख सकूँ, और जो भी मैं समझूँ वो वीडियो द्वारा इस चैनल पर आपको बताऊँगा। बस अगर कोई पिक्चर मुझे अच्छी नहीं लगती या फिर उसको देखने पर मेरे मन में कोई विचार नहीं आता तो मैं उसके बारे में बात नहीं करूँगा। ये चैनल मात्र भारतीय कथाओं के लिए है, इसलिए मैं इसको हिंदी में कवर करूंगा। लेकिन इसके अलावा मैं इंटरनेशनल फिल्म्स भी देखता हूं और उनके बारे में भी सोचता हूं, लेकिन उसके लिए अलग चैनल है। इसका एक महत्वपूर्ण कारण है, जो भारतीय कथाएं हैं उनका हमारे जीवन पर एक गहरा असर होता है, मूल रूप से जो आज का सिनेमा है। तो मैं चाहता हूं कि जो भी मैंने सीखा उसके अलावा जो भी कथाओं में खामियां हैं या फिर गलतियां हैं उस पर हम बात करें और भारतीय कथाओं को सुधारें, ताकि हमारा उन कथाओं को देखने से अधिक फायदा हो। वो कहावत है ना, भारतीय सिनेमा में जो बदलाव मैं देखना चाहता हूँ वो मैं इस चैनल द्वारा लाने की कोशिश करना चाहता हूँ। इसीलिए इस चैनल का नाम अस्थिर चित्र रखा है। अस्थिर चित्र मतलब वो चित्र जो स्थिर नहीं है, मतलब जो हिलता रहता है, मतलब मोशन पिक्चर। लेकिन उसका एक और मतलब है, अस्थिर मतलब अनक्लियर, धुंधला है या फिर गलत है, उसको सुधारना इस चैनल का हेतु है। ये जो भी मैं कर रहा हूँ ना इस चैनल पर वो मेरे एक बड़े मास्टर प्लान का हिस्सा है जिसके बारे में मैं कभी और बात करूँगा। लेकिन अभी अगर आपको भारतीय कथाओं के बारे में बात करना पसंद है तो कृपया करके आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए अगले वीडियो के लिए जब हम भारतीय कथाओं के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।